नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 1097 से गिर कर 440 में ट्रेड कर रहा है, इस टाइम ट्रेड कर रहा है। बट इसमें आप चेक करेंगे, इसका चार्ट एनालिसिस करेंगे तो इसमें रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है, आने वाले टाइम में आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूं, आप हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जो भी मेरा पुराना वीडियो देखेंगे ना, सब्सक्राइब करने से पहले जरूर मेरा पुराना वीडियो देखें, क्योंकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ एक डेटा बेस देता हूँ, मतलब डेटा पढ़ देता हूँ कि डेटा क्या बोलता है कि आने वाले टाइम में क्या आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं नहीं कह सकता कि क्योंकि आज के टाइम में कोई परफेक्ट नहीं है। ठीक है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी को घाटा का मतलब सामना ना करना पड़े, हर कोई पैसा कमाए, हर कोई सीखे और पैसा कमाए। चलते इसी तरह एक ऐसे शेयर के बारे में बात करते हैं जो आने वाले टाइम में अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है, वो भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में भी। और उसका जो फंडामेंटली देखेंगे तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, वो है सन टीवी। मैं सन टीवी की बात कर रहा हूँ। सन टीवी का प्राइस फॉरकास्ट की बात करें तो यहाँ पे 1715 रुपए हाई, मतलब 1 ईयर में, कहीं आप 1 साल के लिए होल्ड करते हैं तो आपको 1715, और मीडियम टर्म मतलब 2 से 1 से 1.5 महीने के लिए आप होल्ड करते हैं तो आपको 550 रुपये, मतलब 25% का ग्रोथ मिल सकता है। ठीक है, वही हम बात करें, हमने कैसे इस शेयर को पकड़ा तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम चार्ट पर आते हैं, 1 मंथ का हम चार्ट देखते हैं। 1 मंथ में आप चार्ट देखेंगे तो 1 मंथ में आपको 4% मतलब 4% का रिटर्न मिला, बट आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका ट्रेंडिंग है 5 नवंबर से, मतलब रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहा है, 443, अभी 439 पे है। ठीक है, और फिर उसके देखते हैं, 444 पे आता है, फिर 452 पे, 436 पे आता है, फिर 415, फिर अगेन आ जाता है। ठीक है, इसका जो सपोर्ट लेवल है 415, 413, 412 तक का है। ठीक है, तो मतलब रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहा है, फिर से इसमें रिवर्सल आने का, तगड़ा रिवर्सल आ सकता है, कहीं ये 452 को क्रॉस करता है। ठीक है, 452 को कहीं क्रॉस करता है तो इसमें तगड़ा रिवर्सल आ सकता है, मतलब वो जाएगा 500, 550 तक आ सकता है। शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहते हैं तो इसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। वहीं कंपनी की बात करें तो फाइनेंशियल डेटा की बात करें तो फाइनेंशियल डेटा में मुनाफे वाली कंपनी, कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, कोई बड़ो नहीं है इस पे, मतलब ऐसे मतलब डेट फ्री कंपनी कह सकते हो। ठीक है, वही इनकम की बात करें, नेट इनकम में देख रहे हैं बढ़ोतरी ही मिली है, मतलब एक रेंज बाउंड इनकम हुआ है, मतलब 1000, फिर 1135, 1433, फिर 1385, वो भी फाइनेंशियल 2020 में, जो सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट ही हुआ हुआ है, घाटा हुआ नहीं है। ठीक है, वही बात करें कंपनी की शेयर होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग बहुत तगड़ा है, मतलब 74% का शेयर होल्डिंग है। और म्यूचुअल फंड यहाँ पे देखेंगे, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग घटाई है। बट वहीं हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है, तो आप समझ सकते हैं कि जो विदेशी निवेशक हैं यहाँ पे क्या है, बुलिश हैं इस कंपनी पे। ठीक है, और जो प्लेस परसेंटेज है 0.11% है, मामूली सा प्लेस है, मतलब मामूली सा शेयर गिरवी पे रखा हुआ है आप कह सकते हो। ठीक है, तो ऑल ओवर कंपनी का डेटा देखेंगे तो सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है। ठीक, इसमें आपको मौका मिल रहा है ट्रेड करने का और इन्वेस्टमेंट करने का, तो इससे आप चूकिएगा नहीं, ये हमारा एनालिसिस है। आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करना है तो एक बार जरूर जांच परख ले अपने साइड से। ठीक है, मैंने बोला था मैक्सिमम, मतलब मैक्स टू मैक्स जो गया था शेयर, गया था 1097 और लो में गया था 122, मतलब 20%। ठीक है, ऑल ओवर देखे तो 20% का रिटर्न, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म मतलब 1 ईयर, और मिड टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा एनालिसिस। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।